नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। राजस्थान के चुरू जिले के सुल्तान सिंह राठौड़ ने वो कारनामा किया है जिससे पूरे देश में उनकी तारीफ हो रही है। अपनी जान की बाजी लगाकर 16 लोगों की जान बचाई सुल्तान सिंह राठौड़ ने और साबित कर दिया कि राजस्थान को वीरों की भूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता है। इस धरती पर वीर सदा से जन्म लेते रहे हैं। युवा नेता एवं JNU छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी ने भी अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखते हुए उनके बारे में उनकी तारीफ करते हुए कहा है, वलसाड गुजरात की औरंगा नदी के उफान से भीषण बाढ़ में तटरक्षक बल द्वारा चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी जान पर खेलकर राजस्थान के बंबू चुरू के जाबाज सुल्तान सिंह राठौड़ ने अपनी जान हथेली पर रखकर बाढ़ में हेलीकॉप्टर से उतरकर 16 लोगों की जान बचाई। आपके साहस और हिम्मत को हम सलाम करते हैं। रविंद्र सिंह भाटी ने भी उनके लिए ये बात बोली है। सबसे बड़ी बात यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में खुद वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे हैं। यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर से वो सीधा एयरलिफ्ट कर सकते थे, उनको रस्सी पकड़ा सकते थे, लेकिन खुद भीषण बाढ़ के बीच में उतरे हैं और बाढ़ के बीच में उतरकर 16 लोगों को उन्होंने एयरलिफ्ट करवाया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, खुद की जान की परवाह किए बगैर सुल्तान सिंह राठौड़ ने ऐसा कारनामा किया है। देश के हर युवा पर, हर जिस तरीके से जो भी इस बारे में बात कर रहा है, सभी गर्व कर रहे हैं कि राजस्थान की धरती पर, इस वीरों की धरती पर सुल्तान सिंह राठौड़ जैसे युवाओं ने जन्म लिया है। कितने लोगों की जान बचाना, इससे बड़ा अच्छा काम क्या हो सकता है। हम भी वीर सुल्तान सिंह राठौड़ के इस अदम्य साहस की सराहना करते हैं और चाहते हैं कि सरकार द्वारा उन्हें नेशनल गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाए तथा उनके जो सम्मान में उनको प्रमोशन भी दिया जाए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा काम किया है, जो 16 लोगों की जान उन्होंने बचाई है वो बेहद ही सराहनीय है। और ऐसे अदम्य साहस, ऐसे अदम्य वीर को, जिनके अंदर ऐसे जान की परवाह ना करते हुए लोगों को बचाने की जो इच्छा है वो कूट कूट कर भरी हुई है, उनके लिए सरकारों को तत्पर रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।